हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चिकन बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। ये एक ऐसी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी जो मैंने घरेलू तरीके से बनाया है और उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर सीखेंगे और ज़रूर अपने घर पे बनाएंगे। ये बहुत जल्दी बन जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही स्पाइसी होता है, तो अपने घर पे से ज़रूर ट्राई करें। चलिए इसे बनाना सीखते हैं। मैंने यहाँ पे चिकन लिया है जिसे मैंने साफ़ कर लिया है। मसालों में मैंने लिया है प्याज जिसे टुकड़ों में काट लिया है मैंने, सूखी लाल मिर्च ली है और मैंने गोल मिर्च लिया है, अदरक का टुकड़ा, गरम मसाले और लहसुन लिया है मैंने और एक तेज पत्ता लिया है। मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम चावल कर लेंगे। तो चावल मैंने वॉश कर लिया है, अब मैं इसे 1 से 1.5 घंटे तक छोड़ दूंगी ताकि दाने हमारे बहुत ही खिले खिले बने। ये देखिए 1 से 1.5 घंटे पूरे हो चुके हैं, चावल हमारा पूरे अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। और आप इसी तरीके से चावल को पहले रख के बनाएं ताकि चावल हमारा बहुत ही खिला खिला बने। मैं पुलाव को कुकर में बनाऊंगी। मैंने इसमें गरम मसाले और तेज पत्ता डाल दिया है, लौंग और इलायची डाली है मैंने, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसमें डालूंगी, मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चावल डालूंगी इसमें। ये देखिए मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें नमक, 1 बड़े चम्मच से मैंने इसमें नमक डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे तरीके से चला लूंगी और इसमें पानी डाल दूंगी। ये देखिए हमें इसमें चावल के डूबने तक पानी डालना है, बहुत भी कम पानी ना डालें, नहीं तो चावल हमारा चिपक जाएगा और अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। ये देखिए कम से कम इतना पानी आपको डालना है, इससे कम ना डालें। यहाँ पे मैंने 1 केजी चावल का यूज़ किया है। ये देखिए चावल हमारा तैयार हो गया है, ये आप देख सकते हैं। मैंने इसे 4 से 5 सीटी तक आने तक पकाया था, आप देख सकते हैं कितना खिला खिला हमारा चावल बना है। हमें इसकी पानी के साथ ही इसे पकाया है, इसे बिल्कुल अलग नहीं किया है। ये देखिए पूरे अच्छे तरीके से चावल हमारा गल चुका है और बहुत ही खिला खिला बना है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप चावल बनाएं जब भी आप बिरयानी बना रहे हो, तो इस तरीके से चावल बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है और ये टूटता नहीं है। अब मैं चिकन के लिए मसाला पीस लूँगी। ये देखिए मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, अदरक, लहसुन और लाल मिर्च डाली है मैंने इसमें, और मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला। ये देखिए मैंने इसमें डाला है गोल मिर्च, साबुत गोल मिर्च मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी अपने मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। ये देखिए पीस लिया मैंने इसे, अब मैं इसमें फिर से पीसूंगी इसे, इसमें प्याज डालकर। ये देखिए मैंने प्याज डालकर इसे पीस लिया है, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं पैन में ऑयल गरम कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो तेल हमारा गरम हो गया है, अब मैं इसमें तेज पत्ता डालूंगी और मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज डाल के हमें सबसे पहले चिकन को फ्राई कर लेना है। ये देखिए प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है आपको। अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन, चिकन डाल दिया मैंने इसमें और उसमें डाल दिया मैंने नमक। अब इसे अच्छे तरीके से मैं चला लूँगी। इसे मैंने
मीडियम टू हाई फ्लेम में ही फ्राई किया है, नहीं तो चिकन हमारा अभी से ही बहुत ज़्यादा गल जाएगा। अभी हमें इसे मसालों में भी पकाना है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसका कलर चेंज हो चुका, आप देख सकते हैं ये कहीं से भी अब कच्चा नहीं रह गया है। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। चिकन बनाने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ऑयल का यूज़ किया है, आप अगर कम ऑयल खाते हैं तो इसे कम भी डाल सकते हैं, लेकिन नॉन वेज में हमें थोड़ी ज़्यादा ही ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, अब मैं जार में पानी डालकर इसे हिलाकर इसमें डाल दूँगी। तो मैंने इसमें डाल दिया है, अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें हल्दी नहीं डालनी है, ये चिकन हमारा गरम मसाले से बनेगा। अब मैं इसे ढक दूंगी और स्लो टू मीडियम फ्लेम में से पकाऊंगी। ये देखिए इसका थोड़ा कलर चेंज होने लगा है, आप देख सकते हैं मसाले हमारे पकने शुरू हो गए हैं। अब मैं इसे फिर से ढक दूंगी। इसी तरीके से 5 से 10 मिनट आपको ढक ढक करके इसे पकाते जाना है। ये देखिए मसाले हमारे पूरे अच्छे तरीके से भून चुके हैं। कुछ देर हमें इसे और पका लेना है, हमें इसे थोड़ा ड्राई कर लेना है पका करके। मैं इसे फिर से ढक दूंगी। ये देखिए चिकन हमारा गल चुका है, तो आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से पक चुका है, मसाले भी हमारे पूरे अच्छे तरीके से भून चुके हैं। ये देखिए अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और सबसे पहले इधर मैं एक बर्तन लूंगी और उसमें इस तरीके से चावल की लेयर बिछा दूंगी। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने चावल की एक लेयर डाल दी, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चिकन। बिरयानी को आपको इसी तरीके से सेट करना है लेयर बाय लेयर, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ता जिसे मैंने काट लिया था, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मैंने इसमें धनिया पत्ता डाल दिया है, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, उसके बाद मुझे इसमें डालना है हरी मिर्च। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितना यम्मी लग रहा है ये, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं फिर से इसमें चावल की लेयर लगा दूंगी, आप देख सकते हैं हमारा दाना कितना खिला खिला है और अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब मैं फिर से इसमें इसी तरीके से लेयर बाय लेयर से डालती जाऊंगी। फिर मैंने इसमें राइस डाल दिया, ये देखिए फिर से मैं इसमें चिकन डालूंगी और उसके बाद टमाटर और धनिया पत्ता डालकर इसे सजा दूंगी, आप देख सकते हैं। इस तरीके से लेयर बाय लेयर मैंने इसे रख लिया है, अब हमें इसे अच्छे तरीके से बंद कर देना है और इसे कुछ देर बिल्कुल लो फ्लेम में गैस पे छोड़ देना है ढककर। ताकि हमारे टमाटर और हरी मिर्च इसका फ्लेवर सारे चावल में चला जाए। ये देखिए बहुत टेस्टी होती है ये बिरयानी, बिल्कुल घर घर का बना हुआ और बिल्कुल बहुत ही इजी रेसिपी है, आप अपने घर पे एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ढक दूंगी मैं इसे,
नींबू का रस आपको डाल देना है। अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो इसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मैं इसे ढक दूंगी। नींबू से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, मैंने इसे 20 मिनट तक के लिए ढक दिया था। अब मैं इसे आपको चला कर दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा हमारा बिरयानी रेडी हो चुका है। टमाटर और मिर्च भी इसमें अच्छे तरीके से गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा हमारा बिरयानी बहुत जल्दी और आसानी से रेडी हो चुका है। आप देखिए इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। आप अपने घर पे से एक बार ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल